हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व। एंड गाइस, ये हमारा आर्क सर्वाइवल इवॉल्व की रेडवुड सर्वाइवल सीरीज का होने वाला है तीसरा एपिसोड। तो गाइस, आज का जो एपिसोड होगा वो लिटरली गाइस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने हमारा पिछला एपिसोड में देखा था कि रेडवुड में सर्वाइव करना लिटरली गाइस काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज है। एंड यहाँ पे गाइस, जो मेरा लेवल है वो 10 हो चुका है। सो मैंने गाइस डिसाइड करा कि फटाफट से एक अपने के लिए फ्लायर टेम करने तक का लेवल कर लेते हैं, एटलीस्ट यार 38 तक का, जहाँ पे गाइस हम अपने के लिए पैटर्न अराउंड ईजिली टेम कर सकेंगे। उसके बाद गाइस हम रेडवुड में यार ईजिली सर्वाइव कर लेंगे। तो गाइस, अभी जो मेरा लेवल है वो अभी लेवल 10 है। सो गाइस, अभी ना मेरे एक्सप्लोर नोट जो है वो ऑलरेडी यार अनलॉक हो गए होंगे। तो गाइस, अब मैं अपना लेवल जो है वो इजीली अप कर सकता हूँ, वो भी गाइस ओनली नोट रन करके। सो गाइस, मैं इतना आर्क सर्वाइवल इवॉल्व खेलता नहीं हूँ, तो मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन नोट एक्सप्लोर नोट्स की गाइस मेरे को पता नहीं है। तो गाइस, अभी जो है ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज होगी एक्सप्लोर नोट सर्च करने में। तो गाइस, हम ऐसे करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा गाइस मैं अपने के लिए थोड़ा सा फूड वगैरह कुक कर लेता हूँ, एंड उसके बाद गाइस हम निकलेंगे सीधा एक्सप्लोर नोट ढूंढने के लिए। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मैं इतने बार गाइस अभी तक मर चुका हूँ, एंड गाइस अब देखना अभी मैं कितने बार मरने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारी इस वीडियो में नया है, एंड जिसने भी गाइस अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज़ भाई लोगों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड गाइज, आज की वीडियो में हम लाइक का एम रखते हैं 200। आई होप गाइज आप लोग 200 लाइक्स तो कंप्लीट करा ही दोगे। सो गाइज, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यार अपने के लिए फ्लिंट एंड स्टोन्स वगैरह फार्म करने लगा था। तो गाइज, जैसे ही यहाँ पे मैं स्टोन एंड फ्लिंट्स फार्म कर रहा था, तो देख सकते हो गाइज यहाँ पे मेरे पीछे पड़ चुका है एक कार्नो। सो गाइज, अभी मेरे को कार्नो से बचने के लिए भागना पड़ेगा, देखते हैं गाइज कि मैं भाग पाता हूँ या नहीं भाग पाता। सो गाइज, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा अच्छा स्पेस मिल गया था। रिवर क्रॉस करने के बाद गाइज मैं सीधा इस वाली लोकेशन में आ चुका हूँ। एंड गाइज, यहाँ पे देखना जो कार्नो था ना गाइज, अगर प्लेन एरिया रहे तो डेफिनेटली गाइज 101% वो मेरे को मार ही देता। तो गाइज, यहाँ पे देख लीजिए गाइज, ये मेरे में काफ़ी ज़्यादा एग्रो हुआ है। तो अभी गाइज मेरे को थोड़ा सा इससे दूर रहना पड़ेगा यार। सो गाइज, मैंने ऐसे करा, मैंने डिसाइड करा, चलो यार मैं ऐसे करता हूँ, यहीं पे थोड़ा सा फ्लिंट एंड स्टोन्स वगैरह फार्म कर लेता हूँ, क्योंकि गाइज मेरे को अभी जो है ना काफ़ी ज़्यादा मैप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो गाइज, मेरे को वहाँ पे के लिए बो एंड एरोस चाहिए होंगे। सो बो तो गाइज मेरे पास ऑलरेडी जुगाड़ हो जाएगा, पर एरोज के लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा फ्लिंट्स एंड फाइबर चाहिए। तो गाइज, मैं वही चीज़ मैं अपने के लिए कलेक्ट कर रहा हूँ। सो गाइज, अभी आई थिंक कार्नो जो था वो हट चुका है अपने ऊपर से। तो ऐसे करते हैं गाइज, फटाफट से यार अपने बेस में दोबारा से चलते हैं, एंड थोड़ा सा खाने का सामान वगैरह लेंगे, एंड अपने के लिए बो एंड एरोज बना के गाइज निकलेंगे हम सीधा लेवल अप करने के लिए। तो गाइज, यहाँ पे तो नहीं है गाइज, आई थिंक वो यहाँ पे से निकल चुका है। तो चलिए गाइज यार, फटाफट से ऐसे करते हैं, यहाँ पे से निकलते हैं आप लोग, हम लोग एक्सप्लोर नोट ढूंढने के लिए। तो मेरा बेस कहाँ गया यहाँ पे? ओके गाइज, यहीं पे कहीं पे मेरा बेस है। ओके गाइज, ये रहा। सो गाइज, आप लोगों ने देखा होगा यार अपना छोटा सा बेस है। तो गाइज, आप लोगों को कैसा लगा ये? तो 8 कुक्ड मीट हो चुका है मेरे पास, एंड आई थिंक मेरे पास क्लॉथ वगैरह भी है। तो ऐसे करता हूँ गाइज, मैं फटाफट से अपने क्लॉथ को इक्विप्ड कर लेता हूँ, एंड उसके बाद गाइज हम निकल जाएंगे यहाँ पे से काफ़ी दूर। ओके गाइज, मेरे पास ना बो बनाने के लिए फाइबर्स नहीं है एंड वुड नहीं है। तो मेरे को क्या लगता है गाइज, मेरे को फाइबर एंड वुड्स कलेक्ट करना पड़ेगा। तो जितना भी गाइज मेरे पास एक्स्ट्रा सामान है, जैसे कि मेरे को एक ये क्या बोलते हैं गाइज, वो सैडल्स मिली थी एक्वास की। सो वो तो गाइज अभी कुछ काम की है नहीं, उसका काम जो है ना हमारा बाद में आएगा। अब मेरे को गाइज आई थिंक बो बनाने के लिए ना वुड्स एंड फाइबर चाहिए होगा, जो कि गाइज अभी मैं कलेक्ट करने वाला हूँ। नहीं गाइज, मेरे पास है ऑलरेडी बो। तो चलो गाइज, अब बो वगैरह का काम तो हो चुका है अपना, एंड यहाँ पे से गाइज हम निकलते हैं अब सीधा एक्सप्लोर नोट ढूंढने के लिए। तो गाइज, यहाँ पे से हमारे लिए पहला एक्सप्लोर नोट जो है वो 1 किलोमीटर है। तो चलिए गाइज, ऐसे करते हैं फटाफट से यार वहाँ पे निकलते हैं। तो गाइज, यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज़्यादा डेंजरस एरिया है ये।
सो गाइज जैसे मैं यहाँ पे से रेडवुड से बाहर निकलने का ट्राई कर रहा था, तो गाइज ऑलमोस्ट मैं बाहर निकल चुका था यहाँ पे से, पर एक गाइज एक जो होती है ना टेरर बर्ड मेरे में एग्रो हो चुकी थी। सो गाइज वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की टेरर बर्ड थी, तो उसने मेरा गाइज लिटरली पीछा नहीं छोड़ा था। मैं स्वयं से भी गाइज निकल चुका था, ये जो रिवर है ना गाइज इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्रॉस हो चुका था, तब तक गाइज इसने जो है ना मेरे को पकड़ लिया था। तो वहाँ पे गाइज पता नहीं क्या ग्लिच हुआ, मेरे समझ में नहीं आया। तो गाइज मैं टेरर बर्ड के बीच में फंस चुका था, ना गाइज टेरर बर्ड मेरे में अटैक करता, ना ही गाइज मैं टेरर बर्ड से दूर निकल पाता। तो गाइज देख सकते हो अभी मेरे पीछे ना गाइज मेरे को साउंड आने लगा था कि कोई ना कोई तो क्रिएचर मेरे में एग्रो हुआ है। सो गाइज अब भागता हूँ मैं यहाँ पे से फटाफट से। ओके गाइज देख सकते हो भाग बेटा, अभी मैं गाइज यहाँ पे से भागने का काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं गाइज कि आई थिंक मेरे को लगता है यार मैं बच ही जाऊँगा, क्योंकि गाइज मैंने अपना जो स्प्रिंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा ली थी। तो देख ली गाइज यहाँ पे गाइज पता नहीं क्या ग्लिच हुआ, देखो गाइज ये भी मेरे में अटैक नहीं कर रहा है टेरर बर्ड, एंड यहाँ पे गाइज जो मेरे को मारेगा ना वो टाइटन बोआ मारेगा। गाइज यू वर किल्ड बाय टाइटन बोआ। सो गाइज यही तो डिफिकल्टीज है यहाँ पे सर्वाइव करना, तो गाइज यहाँ पे सर्वाइव करना यार बिना डायनोस के बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए, तो गाइज बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि मैं बहुत कम खेलता हूँ ये। एक सीरीज गाइज हमने बहुत पहले स्टार्ट करी थी, उस टाइम गाइज खेलना स्टार्ट करा, काफ़ी खेला था, फिर गाइज छोड़ दिया था, एंड काफ़ी ज़्यादा भाई लोगों ने कमेंट करा था यार रेडवुड सर्वाइवल की सीरीज कंटिन्यू करो। सो मैंने डिसाइड करा यार काफ़ी ज़्यादा भाई लोग बोल रहे हैं तो यार इसको कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे गाइज मेरे को पहला एक्सप्लोर नोट तो मिल चुका है, एंड डेली क्वेस्ट आया है गाइज, डेली का परस्यूट का मिशन आया है जिसमें गाइज मेरे को पैरासोरस को हैच करना है। तो गाइज पैरासोरस को हैच करने के लिए यार मेरे को दो पैरासोरस चाहिए होंगे, एक मेल एंड फीमेल, जो कि गाइज मेरे पास अभी दोनों नहीं है। तो चलो गाइज ऐसे करते हैं, वो चीज़ गाइज हम बाद में करेंगे, अभी सबसे पहले एक्सप्लोर नोट ढूंढ लेते हैं। तो गाइज एक एक्सप्लोर नोट तो मेरे को मिल चुका है, एंड गाइज एक एक्सप्लोर नोट जो है वो मेरे से थोड़े से दूर में, चलो उसे फटाफट से मैं ओपन कर लेते हैं, एंड उसके बाद देखेंगे गाइज कि अभी और आगे कहाँ जाना है मेरे को। सो गाइज यहाँ पे मेरे को एक और एक्सप्लोर नोट मिला, पर गाइज एक्सप्लोर नोट के साथ साथ मेरे को मेरी मौत भी मिली है। चल बेटा भाग ले, देखते हैं गाइस कि इस बार हम बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। सो सबसे पहले मैं अपना लेवल अप करता हूँ, स्प्रिंट इंक्रीज करता हूँ। सो लगता नहीं है गाइस कि मैं यहाँ पे बच पाऊँगा, भाग बेटा। सो गाइस देख लीजिए मेरी कुटाई, अभी गाइस कुछ दिन की कुटाई है, जैसी गाइस मेरे में स्वॉर्ड वगैरह आ जाएगी ना मैं इनका गाइस भूत निकाल दूंगा। सो गाइस वहाँ पे मेरे को तो बच के मैं कैसे ना कैसे करके गाइस यहाँ पे आ चुका था। सो मेरे को पता था यार यहाँ पे भी एक एक्सप्लोर नोट रहता है, सो फटाफट से गाइज इसको ओपन करते। तो गाइज जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा तब तक मेरे को एक डिलेफोसोरस के झुंड मिल चुके थे। सो इनसे गाइज अभी पंगा नहीं लेना, क्योंकि मेरा हेल्थ जो है गाइज वो ऑलमोस्ट यार 50% है, तो इनसे गाइज इनके झुंड से पंगा लिया ना तो मेरा खात्मा 101% है। तो गाइज मैं ऐसे करता हूँ फटाफट से यहाँ पे से निकलते हैं, याला एक्सप्लोर नोट को पिक करेंगे, एंड उसके बाद गाइज दूसरी जो लोकेशन में हम निकलते हैं। अरे यार पानी की कमी हो रही है गाइज, अपने में पानी है ना, पानी भी नहीं है। सो आई थिंक गाइज मेरे को यहाँ पे से अंदर जाना पड़ेगा, एंड यहाँ पे से गाइज जो है ना एक्सप्लोर नोट की लोकेशन मेरे को ईजिली मिल जाएगी। ओके गाइज फाइनली यहाँ पे हमें अपना चौथा एक्सप्लोर नोट मिल चुका है। तो एक्चुअली में गाइज मेरे को एक्सप्लोर नोट की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम नहीं है, थोड़ी बहुत गाइज मेरे को लोकेशन मालूम है, तो मैं उसी से गाइज एक्सप्लोर नोट वगैरह ओपन करता हूँ। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मैंने अपना चौथा एक्सप्लोर नोट ओपन कर लिया है, और गाइज यहाँ पे से मैं ऐसे करता हूँ दूसरी लोकेशन में चलता हूँ। यहीं पे गाइज पास में एक और एक्सप्लोर नोट होता है, वो एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है, फिर भी गाइज ट्राई करते हैं ओपन करने का उसको। चलो गाइज आई थिंक गाइज मैं अगर बेरीज खाता हूँ तो मेरा वाटर लेवल यार थोड़ा सा इंक्रीज जरूर होगा, तो चलो गाइज ऐसे करते हैं फटाफट से मैं काफ़ी ज़्यादा बेरीज वगैरह फार्म कर लेता हूँ, एंड उसको खाएंगे तो डेफिनेटली यार थोड़ा सा वाटर लेवल कम तो होगा। तो जी हाँ गाइज थोड़ा सा वाटर लेवल जो है वो हमारा फिल हुआ है, अब मैं करता हूँ गाइज फटाफट से पानी पीने का भी ट्राई करूँगा, नीचे काफ़ी ज़्यादा पानी है तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं अपने को। सो चलिए गाइज ऐसे करते हैं फटाफट से यार वहीं पे निकलते हैं।
तो आई थिंक गाइज इतनी बेरीज वगैरह सफिशेंट हो। ओ गाइज यहाँ पे देख सकते हो आप, स्पाइनो है ये। हाँ गाइज स्पाइनो याद आ गया गाइज नाम। तो गाइज इसको मैंने अभी तक तो टेम करा नहीं है, पर गाइज वैसे मल्टीप्लेयर में टेम करा है मैं जब अपने फ्रेंड के साथ खेलता था, सोलो में कभी करा नहीं। तो इस बार ही गाइज हम ट्राई करने वाले हैं एटलीस्ट यार सारे के सारे डायनोस टेम करने का। ओके यहाँ से गाइज नीचे जाएं, चलो ऐसे करते हैं नीचे भी जाएंगे तो अपना वाटर लेवल फिल कर लेंगे। सो फाइनली गाइज यहाँ पे अपन लोगों के यार वाटर लेवल जो है वो ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। अब मेरे को ना एक्सप्लोर नोट ओपन करना है, तो गाइज यहीं पे जाके कुछ दूर जाके गाइज एक एक्सप्लोर नोट आता है। तो फाइनली गाइज याला मेरा पांचवा जो एक्सप्लोर नोट है वो मिल चुका है। सो गाइज पहले जो लेवल अप करना था ना ये वो काफ़ी ज़्यादा ईजी था यार, अब जो लेवल अप है ना गाइज काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है लेवल अप करने में। तो गाइज ये भी एक तरीका है खेलने का, सीखने का। सो फाइनली गाइज यहाँ पे मैंने अराउंड 6 एक्सप्लोर नोट ओपन कर लिए हैं। अभी गाइज मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर नोट ओपन करना है, तो गाइज जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा ना तो उसमें गाइज डेफिनेटली आपको जो मेरा लेवल है वो 38 से अबो भी दिखेगा। सो फाइनली गाइज यहाँ पे मैं रिवर क्रॉस कर रहा था तो मेरे को यहाँ पे गाइज मेंटस ने मार दिया था। तो यहाँ पे गाइज आप मेरा डेड क्रेट देख सकते हो। तो मैंने डिसाइड करा चलो यार रैंडम स्पॉन हुआ गाइज मैं, पर एग्जैक्ट इसी लोकेशन में स्पॉन हो गया था एंड मेरे पास बो एंड एरोज था क्योंकि गाइज मैंने कैजुअल में करा हुआ है तो उसमें गाइज मेरे को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होती। तो मैंने डिसाइड करा क्यों ना मैं फटाफट से यार इन मेंटा को मार दूँ। तो चलिए गाइस फटाफट से इन मेंटा को मारेंगे। एक का लेवल 40 है एंड दूसरे का भी 40 है गाइस, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज ज़रूर होगी गाइस इसको मारने में, पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है गाइस, कैसे ना कैसे करके तो मैं मार ही दूंगा। अंदर तो गाइस इसका भी डैमेज है ना जो काफ़ी ज़्यादा कम हो जा रहा है। ओके गाइज फाइनली ये मेंटास दिख चुके हैं मेरे को, अब चलो गाइज इसको फटाफट से किल करते हैं। तो गाइज यहाँ पे मेरे जो एरोज थे वो ख़त्म हो चुके हैं, अब गाइज मेरे को यहाँ पे उसी से मारना पड़ेगा। तो चलिए गाइज फटाफट से यार इसको जो है ना, एक को तो मैंने गाइज मार दिया था एंड दूसरा भी गाइज आई थिंक मार दिया। ओ गाइज गलती से मेरे एडिटिंग करते समय ये चीज़ सीन कट चुका है, तो चलो कोई नहीं गाइज वो तो मैंने मार दिए थे। फटाफट से यार अपना जो डेड क्रेट है वो पिकअप कर लेता हूँ मैं, इसको हार्वेस्ट करें। तो ऐसे करते हैं गाइस साथ के साथ इसको हार्वेस्ट भी कर लेते हैं। सो फाइनली गाइस यहां पे हमने मेंटा को हार्वेस्ट भी कर लिया है, अब गाइस यहां पे से निकलना है मेरे को। तो यहां पे गाइस जो मेरा ऑक्सीजन लेवल है वो काफी ज्यादा कम हो चुका है, तो देख सकते हो गाइस काफी ज्यादा हालत खराब हो रही है मेरी। सो गाइज यहाँ पे मेरे को 2 लेवल मिल चुके हैं, अभी गाइज अपना लेवल कितना हो चुका है। तो फाइनली गाइज यहाँ पे अपना लेवल जो है ना 6 एक्सप्लोर नोट से मेरा लेवल जो है वो 14 हो गया है। तो गाइज मेरे को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज लग रही है यार यहाँ पे लेवल अप करने का। सो चलो गाइज यहाँ पे से ना मेरे को थोड़े से दूर और जाना है एक्सप्लोर नोट ओपन करने के लिए। सो चलिए गाइज मैं ऐसे करता हूँ फटाफट से वहाँ पे निकलता हूँ। सो फाइनली गाइज यहाँ पे अपन लोग पहुँच चुके हैं एंड यहाँ पे गाइज मेरे को एक और एक्सप्लोर नोट मिल गया है, तो फटाफट से गाइज इसको ओपन करने का ट्राई करेंगे। एंड यहीं पे कहीं पे गाइज एक एक्सप्लोर नोट तो है, वो कहाँ पे होगा वो चीज़ गाइज मेरे को देखना पड़ेगा। तो फाइनली गाइज यहाँ पे हमें एक और एक्सप्लोर नोट मिल चुका है, तो गाइज यहाँ पे मैंने अपना 5वां एक्सप्लोर नोट ढूंढ लिया। नहीं ये तो है नहीं ना, नोट है 5वां। ओके गाइज यहाँ पे मेरा लेवल जो है वो 15 हो गया है। अभी गाइज और कहाँ जाना पड़ेगा, तो चलो गाइज ऐसे करते हैं सबसे पहले मैं पानी पी लेता हूँ यार, इसको बहुत प्यास लगती है इसको गाइज पानी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो
सो गाइज यहाँ पे भी मैं मरा तो काफ़ी ज़्यादा बार, पर आपको गाइज मैंने थोड़ा थोड़ा दिखाया है मरने का। सो गाइज सबसे पहले मैं अपनी जो है ना स्प्रिंट इंक्रीज करता हूँ, क्योंकि गाइज अभी जो है ना अपने को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है यहाँ पे। सो गाइज यहाँ पे जो होता ना गाइज काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी एंड मेरे को लिटरली गाइज कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो गलती से गाइज मैं जो ग्रीन ऑप्सिलिक्स होता है ना, रेड ऑप्सिलिक्स, तो गाइज उसके अंदर गिर गया था। एंड उसके अंदर गिरा गाइज मैं 3-4 बार गिरा, तो मेरे काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था। फिर मैंने डिसाइड करा अपन को यार अंधेरे में गाइज मैं कुछ नहीं कर सकता, सो उसके बाद गाइज मैंने एक्सप्लोर नॉट ढूंढना बंद कर लिया था। तो एटलीस्ट गाइज यहाँ पे जो मेरा लेवल था ना वो गाइज ऑफ जाते जाते 18 हो गया था, मतलब एक्सप्लोर नॉट ढूंढने में गाइज मेरे को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हुई थी यहाँ पर। सो गाइज देखो गलती से गाइज गया मैं एक्सप्लोर वो रेड ऑप्सिलिक्स के अंदर। सो गाइज यहाँ पे जो था ना काफ़ी ज़्यादा बाहर निकलने का ट्राई करा यार, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा था कि मैं एक्चुअली मैं जा कहाँ पे रहा हूँ। सो मेरे को लगा यार अब तो कुछ हो नहीं सकता यहाँ पे, ऐसे करते हैं अपन लोग गाइज ऑफलाइन ही अपना जो है ना लेवल अप करने का ट्राई करेंगे। वीडियो में गाइज काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है मेरे को, तो यहाँ पे से गाइज मैंने काफ़ी ज़्यादा बाहर निकलने का ट्राई करा एंड बाद में गाइज मैंने हार मान ली। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही यार, मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। सो बाय बाय भाई लोगों।